कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने का ऐसा चमत्कार करते हैं कि भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने की चेष्टा करने वाली होलिका स्वयं ही जलकर राख हो जाती है। भक्त जनों, तो आइए जानते हैं किस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका दहन की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। से महर्षि कश्यप को जो हुई संतान, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे पुत्रों के नाम, और बड़ी पुत्री थी उनकी जिसका नाम सिंहिका, छोटी पुत्री हुई थी उसको दिया है नाम होलिका, बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष तो उनका बड़ा बलशाली है, पृथ्वी ही उठा ली है, और पृथ्वी को ले जाकर सागर के बीच छुपाया, जिसे बचाने को श्री हरि ने वरा का रूप बनाया, दांतों बीच उठा के धरा को बाहर लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप को पत्नी दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, जो सदैव ही भगवान विष्णु के विरोधी रहे। उनके पुत्र हिरण्याक्ष ने जब धरती को ही सागर के बीच छुपा दिया, तो भगवान विष्णु को वराह अवतार लेकर आना पड़ा और अपने दांतों के बीच धरा को उठाकर बाहर ले आए। हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में ही किया और पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। तब हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी से प्रतिकार लेने की ठान ली, इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप करने तपस्या वन में आए हैं, कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को बनाए हैं, ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन दे सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों,
जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार किया तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरा वध ना नर के हाथों हो ना नारी के हाथों, ना मुझे पशु मार सके ना ही पक्षी, ना कोई नाग मार सके ना किन्नर, ना ही मेरी मृत्यु यक्ष के हाथों हो ना ही गंधर्व के हाथों, ना मुझे आकाश में मृत्यु आए ना पाताल में और ना ही धरती पर, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर, ना दिन में ना रात को, ना मुझे अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें ये वरदान दे दिया। जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्यकश्यप के भाई का वध किया था तो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उन्होंने विष्णु जी के नाम को ही मिटाने की ठान ली। किंतु जब तपस्या करने को हिरण्यकश्यप वन में गया तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। किंतु उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, जिसे मुनि नारद ने देवराज इंद्र की कैद से मुक्त करवा दिया और अपने आश्रम में ले आए। वहीं पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर भक्त प्रहलाद दैत्य पुत्र होते हुए भी भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। किंतु उनके पिता ने स्वयं ऐलान कर दिया था कि कोई भी यदि विष्णु जी का नाम लेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। कोई नहीं जो मेरे आदेश का पालन न करे और तुम मेरे पुत्र होकर भी
आदेश की अवहेलना कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी भय नहीं लगता? तुम आज से ही विष्णु भक्ति करने का विचार त्याग दो और मेरे नाम का जप करो। मुझे ही भगवान मानो और मेरी पूजा करो। अपने पिताजी के मुख से ये शब्द सुनकर भक्त प्रहलाद कहने लगे, वर्णन करते हुए कहते हैं, हे पिताजी, वो सारी सृष्टि के पालन करता है जिनका कोई आदि अंत नहीं है। वो कण कण में व्याप्त है। इस संसार में अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्दिज चारों प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण वही है और वही पालन करता है। सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो उनके समान होने की सोच भी सके। फिर आप किस अधिकार से खुद को भगवान मानने की भूल कर रहे हो? अभी भी समय है पिताजी, आप अपने इस झूठे अहंकार को त्याग दें। भी हो
की मृत्यु चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि प्रहलाद की हत्या किसी भी हालत में करनी है। अपने सभी प्रयासों में असफल होने के पश्चात उसे अपनी बहन होलिका की याद आती है, जिसके पास भगवान भोलेनाथ की दी हुई एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश करे तो भी अग्नि में जल नहीं पाती। हिरण्यकश्यप ने इतना सोचकर अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हे बहन, मेरा पुत्र प्रहलाद ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं और हमारे शत्रु विष्णु जी की पूजा करने में लगा है। अपनी बहन होलिका हिरण्यकश्यप ने बुलाई और बता दी उसके सामने सारी ही सच्चाई। जो विष्णु है बहन अपने कुल का विरोधी, उसकी भक्ति है। कितनी बार इसकी हत्या का मैंने किया प्रयास, पर ना जाने कौन सी शक्ति बहना इसके पास। हर एक बार प्रयास मेरा तो विफल हो जाता है, और जीवित बचने में ये तो सफल हो जाता है। कहता है कि विष्णु जी मुझको बचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बात सुनकर होलिका कहने लगी, हे भ्राता, तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे पास भोलेनाथ की दी हुई ऐसी चादर है जिसे ओढ़कर बैठने पर अग्नि भी नहीं जला सकती। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और तुम अपने सैनिकों को आदेश देना कि चारों ओर से अग्नि लगा दें। इस प्रकार प्रहलाद का अंत भी हो जाएगा और प्रजावासियों में आपका भय भी बना रहेगा। हिरण्यकश्यप होलिका की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रहलाद की हत्या की योजना बना ली। होलिका ने जो योजना हिरण्यकश्यप को बताई, पूरी होती हुई नजर हिरण्यकश्यप को आई। होलिका ने जो कहा था फिर तो वैसा ही किया है, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उसने ले लिया है। और हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को बुलवाया, सूखी लकड़ियां घास फूस है चार।
आदेश से सैनिकों ने चारों ओर आग लगा दी, किंतु भक्त प्रहलाद तो विष्णु भक्त थे। जो ही अग्नि प्रज्वलित हुई, ऐसी आंधी चली कि होलिका की वो दिव्य चादर उतरकर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और भक्त प्रहलाद के स्थान पर होलिका जलकर राख हो गई। प्रिय भक्तों, इसी उपलक्ष्य में आज तक भी सांकेतिक होलिका दहन किया जाता है। चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी स्वयं बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
उसके रंग बिखराती। सररर शोर मचाए ढोले मंजीरों की छनकार, पावन होली का त्योहार। ओ रंग बसंती देश का प्यारा, रंग रहा ये संसार है सारा। लठिया सखियों ने भी उठा
चिल्लाए
मां।